ये खाली इसके फोग लैम्प की लो बीम है, आप फोग ऑन करियो, फर्क देखो कितना है। हाँ ये हाई बीम है। तो व्हाइट वाला अभी तक आपने किसी गाड़ी में लगाया है? नहीं, ये पहला लगेगा अगर आपकी गाड़ी में, अदरवाइज नहीं तो मैं अपनी गाड़ी में लगा दूंगा। तो भी लास्ट वीडियो जिसने देखी है सबको पता चल गया कि शायद मैं जिमनी की बुकिंग कैंसिल करा के अपने ब्रेजर पे पैसे लगा रहा हूँ, और अब मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली करोल बाग। आपको नाम दिखाई दे गया, ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम कमल भैया की दुकान है। और मैंने जब गाड़ी ली थी 3 साल पहले तो अभी मैं यही जो है उसको थोड़े बहुत पार्ट्स मॉडिफाई करवाने आया था, और आज मैं आया हूँ यहाँ पे कुछ एलईडी प्रोजेक्टर फोक लैंप में लगवाने। अभी एलईडी के हैं कंपनी के, वो हटवा के जूम के मैं लगवा रहा हूँ। उनसे कल बात हो गई थी, बोले सुबह 11 बजे आ जाना, मैं आ गया 10:25 पे, 10:15 बजे आ गया था, अभी हो गए 5-10 मिनट, तो वो 11 बजे दुकान खुलेगी फिर काम करवाते हैं। और ये देख लो, तो कमल भैया आ गए और अब शुरू करते हैं। मैं एक्चुअली जूम के एलईडी प्रोजेक्टर लगवा रहा हूँ भैया। एलईडी तो इनबिल्ट आती है, इसके अंदर एलईडी इनबिल्ट होती है, और ये आपका बाईफोकल प्रोजेक्टर है डुअल लेंसेज के अंदर। वैसे तो अभी तक तो ये 4300 केल्विन और 3000 केल्विन में आ रही थी। अच्छा, बट अभी मेरे पास एक सैंपल पीस आया टेस्टिंग के लिए 6000 केल्विन में। 6000 केल्विन में दोनों जो लेंस है 6000 केल्विन है। तो आपकी गाड़ी में अगर लगाना है तो वो भी आप चूज कर सकते हो, ये 6000 केल्विन की लाइट है। देखो ऊपर, अच्छा, जब भी केल्विन बढ़ती है तो इस पे इससे कस्टमर को कोई किस चीज में फर्क पड़ता है? विजिबिलिटी, जैसे केल्विन कम होती जाएगी तो वो येलो स्टोन में आती जाएगी, येलो में। हाँ जी, ये व्हाइट है, ये प्योर व्हाइट है, 6000 केल्विन है। अच्छा, एक्चुअली 6 भी नहीं है, 5500 गाड़ी की बैटरी पे कोई लोड रिले लगेगी? लोड नहीं, एलईडी कोई लोड नहीं लेती है। अच्छा, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये आपने देख लिया, व्हाइट कलर हो गए? हाँ व्हाइट हो गया। हाँ मैं वही में कह रहा था, उल्टी लग रही है थोड़ी। नहीं ये ऐसे लगेगा ना, कोई लेंस ऊपर आएगा ऐसे। हाँ सही लग रही है मुझे तो। और वो येलो लगा के दिखाओगे एक बार? ये तो वो है जो आपके पास सैंपल है 5500 उसका, ये वाला 5500 वाला। हाँ जी, जो पहला पीस आया मेरे पास, और अभी जो नेक्स्ट लॉट आएगा वो अराउंड 1 महीने बाद आएगा, ये व्हाइट। अच्छा, तो व्हाइट वाला अभी तक आपने किसी गाड़ी में लगाया है? नहीं, ये पहला लगेगा अगर आपकी गाड़ी में, अदरवाइज नहीं तो मैं अपनी गाड़ी में लगा दूंगा। नहीं नहीं, देखो मैं लगवा के जाऊंगा, मैं व्हाइट की बोल के आया था। चलो अपनी में लगवाते हैं सबसे पहले। ये आपका येलो स्टोन में है। हाँ येलो नहीं पसंद है। 4300 केल्विन है आपका, जो नीचे वाला लेंस है, जो ऊपर वाला लेंस है वो 3000 केल्विन है। अच्छा, मेरा व्हाइट पे ही मन है वैसे। मैंने जब येलो देखी थी ना शुरू में, मैंने पहले ही पैक कह दिया था कि भाई व्हाइट सही लगेगी मेरी गाड़ी। दोनों ही अच्छी है, दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, बट अपना अपना टेस्ट होता है कलर का। नहीं व्हाइट ठीक है मेरी गाड़ी, क्योंकि जो प्रोजेक्टर है ना दोनों एलईडी के एकदम प्योर व्हाइट है, तो व्हाइट थोड़ा सामने से भी अच्छी थी, वरना फिर वो मिसमैच दिखता है कलर। ठीक है, और फिटिंग का इन्होंने बता ही दिया कि क्लैंप जो मारुति के नॉर्मल क्लैंप है, ब्रेजर जो क्लैंप साथ में आते हैं ना, ये आपके यूनिवर्सल क्लैंप होते हैं सुजुकी के। अच्छा, सुजुकी की कोई भी गाड़ी ब्रेजर में तो प्रॉपर ही लगेगा। अच्छा, टोयोटा का अलग आता है, थार के लिए अलग प्रोजेक्टर क्लैंप बनाते हो, मेटालिक तो अलग बनाते हैं मेटालिक वाले, तो हर गाड़ी गाड़ी के हिसाब से होता है। ये आपका टाटा में तकरीबन तो और सुजुकी में लग जाता है। अच्छा, और ये और मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो व्हाइट वाला प्रोजेक्टर है वो अभी अगले महीने अवेलेबल होगा, अभी नहीं है वो। तो जिनको अगर कभी लगवाना तो एक महीने बाद ही कॉल करना भी मत इसके लिए। हाँ व्हाट्सअप कर लेना, उसका नंबर आपको मिल जाएगा सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और क्या मैं कह रहा था, फोकस तो अभी सेट कर नहीं पाएंगे, दिन का टाइम है। फोकस शाम को सेट होगा, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान है। मुझे बता देना, वो तो मैं कर लूंगा, इतना तो मैं कर लेता हूँ। विक्की भाई की गाड़ी में प्रोजेक्टर लगा दे, ये वाला ब्रेजर में। भाई एक ही रिक्वायरमेंट है सुनो, एक तो जब खोलोगे ना बम्पर तो कहीं भी पेच के इन सबके निशान नहीं होने चाहिए, ठीक है? आराम से अभी पार्ट से खोलियो, कोई आराम से खोलियो। हाँ थोड़ा तरीके से खोलना। हाँ ये दिखा दे ढंग से। भैया ने खुद क्लेम करा है कि ये पहली बार लग रहा है उनकी दुकान से वाइट प्रोजेक्टर, वो मेरी गाड़ी में लग रहा है। ये ऊपर की साइड आएगा, ये हाई बीम के लिए मेरे ख्याल से। हाई बीम के लिए ये खोल के रख दिए दोनों, खोल दिया भाई। क्लैंप तो प्लास्टिक का ना भैया? ये गिर तो नहीं जाएगा गड्ढों में अगर कूदेगी तो गाड़ी? 4-3 फीट लगेंगे बकायदा। ठीक है सही, ऐसे प्लग एंड प्ले है। देखो इसमें ये फीचर आता है, इसको भी ना फोग लैम्प को हाई बीम के साथ कनेक्ट हो जाएगी, हाई करोगे तो हाई, अदरवाइज लो बीम। एक और पीले पीले भाई, गाड़ी बिना गिर जाएगी। ये देखो भैया ने रिलेस के ऊपर ही लगा दिया, और थोड़ी हाइट भी इसलिए लगवाया था कि पानी की दिक्कत ना है, अच्छे से कर दिया टाई बेल्ट ये लगा के जिप टाई। और ये इसके साइड और सेम दूसरी साइड। अब ग्रिल चेंज हो रही है, मैं ग्रिल करा रहा हूँ।
ग्रिल में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि जो प्लास्टिक के बटन थे ना काफ़ी टाइट हो गए सूख के, तो वो खोल रहे निकल गए। चलो गाड़ी में संभाल के डिक्की में रख दिया तो रोड पर मारूं। ये आ गई भाई ग्रिल अपनी, ठीक है लगा दो लगा दो लगा दो। ग्रिल का मैं देख रहा हूँ दूर से कैसे लग रही है, फिटिंग थोड़ी ना कंपनी वाली तो देखो आएगी नहीं, थोड़ा सा गैप दिखेगा। ठीक है ठीक है, प्रोजेक्टर ऑन करवा दिए यार, सही लग रही है यार। सही बता और नहीं तो करवा दूँ फिर फिट। कितना लग रहा है गैप पे? थोड़ा सा है बस, देखांगा तो कर दो फिट अब, लगवा दो दी है। किस दिन मन खराब हुआ या नहीं हुआ तो कर देंगे चेंज वापस ओरिजिनल। देख थोड़ी सी मेरा वो रडक तो है ही ये गैप की बस, पर वही है भाई वो अंदर कट है ना इसमें, तो उसकी वजह से ये मार्जिन ज़्यादा दे रखा है बस इसमें, तो कंपनी वाली फिटिंग तो आएगी नहीं। देखो डिटेल में दिखा रहा हूँ सारी चीज़, वायरिंग कर दी और कपलर के अंदर तार नहीं डाल रहे साइड में, हल्की सी वो पिन लगा के इसे वायर कट नहीं होगी। हाँ वायर कट भी नहीं होगी और सॉकेट के अंदर तार डालने की दिक्कत ही होती है, सॉकेट ठीक से बंद नहीं होती, फिर कभी लाइट काम करेगी कभी नहीं करेगी, वही है। अभी डाल रहे हैं एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ कर रही है हाई के साथ, ये रह रही है इसकी बस वायरिंग करनी है। चलो फिटिंग हो गई है, टिल्लू फोग लैंप का कवर लगा रहा है, अब यहाँ से चलते हैं, अब देखो क्या लुक आ रही है। यहाँ से चलते हैं पैसे वैसे दे के और रात को मैं ये वीडियो प्रॉपर क्लोज कर दूंगा इसका प्रॉपर व्यू बनाने के बाद रात को। फिटिंग देखो यार ये गैप तो रहेगा, ये गैप है ठीक है। देखो अब मैं लाइट की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ जूम का, जो इसमें 6000 केल्विन की वाइट लाइट है, जैसे कमल भैया ने बताया था किसी गाड़ी में वाइट, अभी तक येलो लग रहे थे जिसमें भी ये प्रोजेक्टर लग रहे थे। अब इसकी लाइट में दिखा रहा हूँ, चूंकि इसका DRL काफ़ी येलो पड़ चुका है और ये जो लाइट है ये खाली इसके DRL की, ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रही होगी, प्लस कुछ फ़ोन का होगा। अब चलो खाली गाड़ी का जो ओरिजिनल प्रोजेक्टर है ना ये, इसको लो बीम पर कर दे, पहले सामने से दिखा दूँ कुछ भी इसका जो अभी तक फोग लैम्प ऑन नहीं हुआ है, और इसकी लाइट अगर देखनी हो तो ये इसका लो, इसका हाई बीम करियो, इसी का हाई बीम कर दिया ये देख लो। अब इसका हाई ऑफ कर दे मेन का, अब इसका लो वो कर दे प्रोजेक्टर ऑन फोग लैम्प, ये देखो ठीक है। सेटिंग हमने कर दी वहाँ पे, दिन में थे तो नहीं कर पाए, घर पे ला के करी है, ये जो इसका राउंड बन रहा है सर्कल जो सेमी सर्कल जो भी है, और यहाँ से तो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रोड पर देखो अब लाइट। टिल्लो अब एक काम कर, इसका एक बारी फोग ऑफ कर दे और गाड़ी की लो बीम ऑन कर दे, मतलब जो मेन प्रोजेक्टर ठीक है, अब फोग ऑन कर, फर्क देखो कितना। अब गाड़ी का ओरिजिनल बंद कर दे, इसका हाई बीम मारियो फोग का, मतलब मेन एक बार वो कर दे गाड़ी की लाइट। फोग लैंप में भी लो बीम और हाई बीम का ऑप्शन है, अगर यहाँ पे देखोगे ना ये छोटा सा जो है यहाँ पे अलग से हाई बीम के लिए अलग है, तो गाड़ी के हाई बीम लो बीम के साथ ही कनेक्ट होता है। स्टिल आपके पास ऑप्शन है ये कनेक्ट करवाना है कि नहीं करवाना है, ठीक है इट्स योर विश। ये खाली इसके फोग लैंप की लो बीम है, हाँ अब ये हाई बीम हो गया और ये अब इसके हाई बीम मारियो, ये हाई है ठीक है, ये चेंज हो रहा है, देखो जब हाई मारती है तो ये हो रही है ठीक है, लाइट अच्छी खासी है। अब रोड पे चलते हैं, अब देखो ये खाली इसके जो फोगला में LED प्रोजेक्टर लगे हैं सिर्फ उसी की रोशनी, और एक बार इसके मेन ऑन करिए। देखो अब क्या हो ना गाड़ी में जैसे तीन लोग बैठे हैं तो लेवल थोड़ा ऊंचा भी उठ गया, फोग लैंप के हिसाब से थोड़ा ऊंचा है, लेकिन ज्यादा नीचे करने का मेरा मन नहीं है, बार बार बम्पर नहीं खोल रहा अब मैं। और इसके मेन प्रोजेक्टर ऑन करना, आप ये पता है ऐसा है प्रोजेक्टर नीचे वाले लगने के बाद इसके जो मेन डबल प्रोजेक्टर टोटल चार हो गए, उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है कि इसको मतलब दबा पाए, इसकी लाइट को कवर कर पाए, नीचे वालों की ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। एक बार एक काम कर टिल्लो फोग ऑफ कर दे, अब देखो लाइट, ये इसके ओरिजिनल प्रोजेक्टर है जो कंपनी से रख के आते हैं, अब फोग ऑन करियो फर्क देखो कितना है। इनफैक्ट इसकी बीम ये जो लाइन है ना ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है। हाई बीम और दिखाऊं? हाई बीम कर, योर लो बीम, हाँ ये हाई बीम, ये देखो अब प्रॉपर पेड़ के ऊपर हाइट तक, लेकिन ये देखो लगा लो अच्छी बात है, ऑफ रोडिंग ज्यादा करते हो जंगल इन सब मतलब इन टेरेंस की तरफ ज्यादा रहते हो लगा लो, लेकिन अगर कुछ सामने से आए तो लो बीम जरूर कर लेना क्योंकि सामने वाले को अब कुछ भी नहीं दिखेगा। ये तेज है लाइट लेकिन प्रिकॉशन जरूर रखना कि अगर कोई सामने से आता है तो लो बीम रखना, अपनी गांव इन सब एरिया में चले हो तो अपनी हाई बीम रखना, कोई सामने से आए तो लो बीम कर लेना, इसको ये एक मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा। लेकिन लाइट की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है और अगर लगवाने जाते हो तो मेरी यही आपको रिकमेंडेशन है कि रात को जाना, बीम अगर आप सेट कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मेहनत लगेगी आपको ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं था रात तक रुकने का तो मैंने दिन में कर ली। अब तक गाड़ी की ओरिजिनल लाइट इतनी स्ट्रांग लगती थी ना कि भाई इससे बढ़ के कुछ नहीं है कंपनी की साइड से, वो है भी
लेकिन अब नीचे वाले इतने तेज हो गए ना, ये फीके लगने लग गए हैं। अब करी हुई नीचे की ओन, देखो कितनी तेज हो गई है। अब बाहर के शॉर्ट्स दिखाऊंगा इसके। अब मैंने गाड़ी भेज दिया, अब ये वापस आएगी। देख रहे हो भाई, सामने से तो कुछ भी नहीं दिख पाएगा, लेकिन आप जब जाएगी ना बगल से, ये देखो क्या जबरदस्त बीम पड़ रही है गाड़ी की। क्लासी यार, एकदम पैसा वसूल चीज है। चलो वापस ही आ रही है गाड़ी। वो देखो खेतों में कहां तक लाइट जा रही है उसकी, यहाँ रिवर्स हो रही है गाड़ी रोड पे, और उसकी लाइट वहां तक है। अब खाली फोग की लाइट देख लो, तब तो हेड बीम वो इसके हेडलैम्प्स ऑन थे ना, अभी खाली इसके फोग लैंप ऑन है। ये देखो लाइट कहाँ तक है। ये देख लो भाई, ये लगाने के बाद गाड़ी के हेडलैम्प की जरूरत नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग है। और अपनी ब्रेजा में तो सोने पे सुहागा हो गया, मतलब इतनी तेज लाइट। बस बस बस, चलो जी कमेंट सेक्शन में बताओ फिर कैसी लाइट्स लग रही हैं, और ये बाहर से भी देख लो, ठीक है? चलो बाय।